अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिगॉस, जिनके पास है आर आर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिगॉस ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास तो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्ण कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज 23 जून फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे हमने बताया था कि भिवंडी के फरहान खान हॉल में एक एजुकेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले थे और बच्चों को करियर गाइडेंस के ऊपर जो है यहाँ पे पूरा ये सेमिनार कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे करियर गाइडेंस का सेमिनार चल रहा है, जिसमें खास करके बच्चों को अपने फ्यूचर में अपने एजुकेशन को लेकर कौन सी स्ट्रीम चुनना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से कोर्सेज करना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आज सेमिनार था। मैं आपको बता दूँ कि ये सेमिनार काफ़ी शानदार था, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2,000 बच्चे जो है इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए थे, पूरे भिवंडी से और आसपास के इलाकों से। साथ ही साथ में कुछ बड़े टीचर और जो बच्चे आए थे वो भी कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आए थे। तो मिला जुला के ये जो सेमिनार था काफ़ी सक्सेसफुल था, देखते हैं आज इसकी एक झलक।
पसंद और पैशन में बस वही है, अगर आप अपने खाने पीने के चक्कर में जाए तो आपको पसंद है तो आपको पसंद है, वो कभी भी पैशन नहीं, वो कभी भी पैशन, पैशन वहां होता है जहां पैसा होता है, पैशन वहां होता है जहां इज्जत होती है, पैशन वहां होता है जहां खाने के नस लोग पूछते हैं, क्योंकि पसंद से हम खाना करते हैं, नौकरी पैसे के लिए करते हैं और इज्जत के लिए करते हैं। करियर में पैशन और पसंद इतना ही फर्क है कि जो मेरा पैशन है वो करते वक्त मुझे थकावट नहीं आती। पैशन में मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझे सर में दर्द है मैं नहीं कर पाऊंगा, एक सिंपल सी हिसाब है, अगर आलस है या नहीं बीमारी है इसमें फर्क सबसे बड़ा है। अगर आपके पेरेंट्स बोले कि दवाई दे लो और वो मना किया इसका मतलब आलसी, और अगर वो बोले कि दवाई देना है इसका मतलब बीमार है, जितनी बार भी आपने बोला मुझे तकलीफ है इसका मतलब आप लेजी है। पैशन बड़ी होता है इसके लिए आप कभी खाने नहीं, जो दिमाग से सबको मुश्किल लगे आपको आसान लगे वो पैशन। जो सेमिनार हुआ है करियर गाइडेंस का उसके बारे में क्या कहना है? देखिए भिवंडी के हमारे जो बच्चे हैं जो 10th और 12th पास होते हैं उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, रहनुमाई की बहुत ज़रूरत है। आज मुझे लगता है भिवंडी का सबसे बड़ा सेमिनार जिसमें ग्राउंड फ्लोर पूरा भरा था, फर्स्ट फ्लोर पूरा भरा था और बच्चे जो है 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिल्कुल हिले नहीं। 3-4 सेशंस हुए और बच्चों को हमने मोटिवेशनल, इमोशनल और टेक्निकल सभी आस्पेक्ट्स में आज ग्रुप काउंसलिंग हुई। 2 हफ्तों से हमारे यहाँ पे ऑफिस में इंडिविजुअल काउंसलिंग चल रही है, कैसे भी हम बच्चों तक रीच आउट करें, उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारी पूरी टीम दिन रात इस प्रोग्राम के लिए काम कर रही थी। मुझे लगता है आपने कुछ देखा होगा कि मतलब इतना बच्चे इन्वॉल्व थे कि जाने को ही तैयार नहीं थे, 9:30 बजे तक सवाल पूछ रहे थे। भिवंडी में इस तरह के सेशंस की बहुत ज़रूरत है और हम हर मतलब ब्रेक ले लेके जितना हो सकेगा स्कूल में इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग ये हम करते रहेंगे ताकि बच्चों को मदद मिले, भिवंडी पढ़े, भिवंडी आगे बढ़े। भिवंडी में डोनेशन लेने वाली स्कूलों के ऊपर भी बहुत सारी कमाई रखनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डोनेशन लेते हैं, फीस का कोई कंट्रोल नहीं है, जो कंप्लेंट्स में सुन रहा हूँ डेफिनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ मैं फॉर्म सोच रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि इदारों में हम इंटरफेयर नहीं करें, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम है और इससे लोग परेशान है, इस पर हम दोनों MLA बैठने वाले हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम इंटरफेयर करें, लेकिन डोनेशन की रैम्पेंट कंप्लेंट्स होने की वजह से डेफिनेटली अब हम सोचेंगे। वैसे काउंसलिंग तो आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन इसके आगे अगर कोई बच्चों को अगर एडमिशन के लिए मतलब किस तरह की आप लोग मदद या किस तरह की? कंटिन्यूसली ऑफिस में प्रोसेस चलता है, बच्चे हमसे रीच आउट करते, पेरेंट्स हमसे रीच आउट करते एडमिशन के लिए, हॉस्टल के लिए और भी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और हम कंटिन्यूसली करने की पूरी कोशिश। सर बच्चे अगर टैलेंटेड है अगर उसका 90+ अगर परसेंटेज भी रहता है तो अगर गरीब होना सबसे बड़ा गुना होता है, वो डोनेशन देके एडमिशन नहीं कर पाते। और आपके क्षेत्र में ऐसे 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे डोनेशन लेके ही एडमिशन किया जाता है। तारीख में आप पूरा सेमिनार आज सुनते ना तो हम यही बोल रहे हैं कि उस 2 कॉलेज के पीछे मत भागो, आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उन ऑप्शन को समझो। हम क्या कर रहे हैं अभी पागलों की तरह 2-3 ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं, वैसा नहीं है। आज पूरा ज़माना बदल गया, अभी आज 3-4 साल में तो साइंस, कॉमर्स ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और हमारा क्या है, लोगों को कहना है कि रैट रेस में मत जाओ कि बस यही करना है। आज काउंसलिंग का ये मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव था कि करियर ऑप्शंस बताएं और गरीब बच्चों के लिए क्या, हम कौन से अमीर बच्चे थे, हम भी पढ़ाई लिखाई किए तो गरीब बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं। आज आपको अगर IAS बनना है तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर लेकिन इसमें इस सेमिनार में एक चीज़ देखने को मिली कि अधिकतर जो बच्चे थे वो पेरेंट्स की मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है उन्हें पढ़ने के लिए काफ़ी तकलीफ देते हैं, पेरेंट्स को लेकर काफ़ी क्या है, नहीं कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि माँ बाप की जो अरमान होता है कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाऊँ, मुझे बच्चे मिलते हैं परसेंटेज 50
बच्चा समझ रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम पेरेंट और स्टूडेंट काउंसलिंग साथ में करते हैं जब इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। आप अगर संडे के प्रोग्राम में आप लोग आए थे, डेफिनेटली हम तो कह रहे हैं हम इस्लाह माशरे पे काम कर रहे हैं, यानी कि समाज सुधारने पे काम कर रहे हैं। आप जब देखेंगे, शायद आप में से कुछ लोग आए होंगे, जब ग्रुप काउंसिल इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है पेरेंट और बच्चे दोनों के लिए। सर, आपके क्षेत्र गुलजार नगर में पिछले दो दिन पहले स्कूल फीस के लिए बच्चों को निकाल दिया गया, उसकी कंप्लेंट शिक्षा विभाग को भी दी गई, लेकिन अभी तक आपको जो बच्चों को वापस नहीं लिया, कि आपको पास ये कोई तकरार आई? मुझे अभी तक कोई तकरार ऐसी नहीं आई, आएगी तो डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे। लाइब्रेरी को लेकर आपने कुछ कहा था कि स्टेशन लाइब्रेरी, देखिए हम एक ओपन लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं केवी नगर, मैंने ऑलरेडी उसके लिए फंड दिया है और मैंने डिजाइन करने के लिए कहा, अच्छी केवी नगर के अंदर हमने कहा है, अंसारी प्ले ग्राउंड के अंदर जो अभी जिम रिपेयर हुआ है पूरा, उसका फर्स्ट फ्लोर मैं चाह रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए यूज़ हो। लाइब्रेरी के लिए एक रिजर्वेशन है यहाँ पर पासी मिलत नगर के पास, उसका भी एक्विजिशन प्रोसेस चालू किया है मैंने। मैंने कहा कि मैं फंड देना चाह रहा हूँ, शिक्षा के लिए ही हम सबसे ज़्यादा फंड देना चाह रहे हैं और लाइब्रेरी डेफिनेटली बनाना चाह रहे हैं। अम्बेडकर लाइब्रेरी के बारे में मुझे अफसोस है कि बारम्बार सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के पास तक इस विषय लेने के बाद आज मुझे खबर मिली कि अम्बेडकर लाइब्रेरी बंद हो रही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं अभी आयुक्त का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कौन सा आयुक्त है वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसी जो फॉर्म आयुक्त आएंगे तो अम्बेडकर लाइब्रेरी के लिए सबसे पहला सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आपका नियोजन क्या है, क्योंकि असेंबली में जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में सरकार ने कहा था कि हम इसमें हस्तक्षेप करके उस लाइब्रेरी को हम बनाएंगे, लेकिन आज मुझे दुखी होता है कि कॉरपोरेशन की तरफ से सरकार को प्रस्ताव तक नहीं गया, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। शिक्षा विभाग के लिए अलग बजट होना कॉरपोरेशन में ही हमारा उद्देश्य रहेगा, आने वाले कॉरपोरेशन में हम चाहेंगे कि अलग बजट ये सब एक्टिविटी के लिए। ये अब्बा नहीं मानेंगे ये समझाने का तरीका है, अब्बा नहीं मानेंगे वो एक तरीका है। मैंने आपने कहा कोई नेगेटिव मत लीजिए कि अब्बा पढ़ने नहीं दे रहे, अब्बा कह रहे इंजीनियर बन, बेटा बोल रहा है कि मैं जो है आज करना चाहता हूँ या आईटी करना चाहता हूँ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक बच्चा आया जो 83% स्ट्रेंथ में लाया, 12th में 50 हो गया, क्यों हुआ? तो उसका प्रॉब्लम वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाया। इसी को समाज कहते हैं ना, समाज किसको कहते हैं? समाज इसको कहते हैं कि हर तरह की व्यवस्था आप समाज में बनाएं ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, समाज से बात करने के लिए।